नल पुराण इतिहास के एपिसोड 168 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ भाई काफी समय से हमसे ये डिमांड करते आ रहे थे कि गुरुजी आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। इसके लिए आप हमने एक उपाय निकाला और आप सभी की सेवा में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अद्भुत कहानी स्टार के नाम से ही, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे और उस व्हाट्सएप पर आप अपने विचार रख सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं और आपस में जो भी कोई बातें हों सहयोग की वो कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि आप कॉल ना करें, कॉल करेंगे तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको समय दे पाऊं। आप जो भी शिकायतें हो वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नलपुराण इतिहास के एपिसोड 167 से जोड़ता हूं। एपिसोड 167 में मैंने आपको बताया था कि राजा नल उस अजगर नाग को मार देते हैं और अपने मित्र राजा वासुकी को कैद से मुक्त करा करके वापस आ जाते हैं महेंद्र नगर में। महाराज महेंद्र पाल बड़े प्रसन्न हुए। राजा नल महेंद्र पाल से कहने लगे कि राजन, आपकी अगली शर्तों की बारी है, आप तैयार रहें, हम आपकी सभी शर्तों को पूरा करेंगे। महेंद्र पाल कहने लगे, राजन हमारी दूसरी शर्त कि बरना सिंह की सवारी पर होना चाहिए, दूल्हे शेर की सवारी पर होना चाहिए। तीसरी शर्त थी 7,000 दाने बायरोठी पर होने चाहिए और चौथी शर्त थी तोरण 80 गज ऊपर बांधा जाएगा, वह तोरण मारना है, और पांचवी शर्त हमको युद्ध में हराना है। तो हे राजन, आप दूसरी और तीसरी शर्त के लिए तैयार हो जाएं। बायरोठी की तैयारी कराई जा रही है, आप अपने समस्त योद्धाओं सहित बायरोठी के लिए दरवाजे पर आए, आपका स्वागत है, हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। देखिए श्रोताओं, इतना कहने के बाद राजा महेंद्र पाल तो चले जाते हैं, अपने किले में प्रवेश कर जाते हैं और राजा नल वही अपनी सभा बुलाई, सभा का आयोजन किया और उस सभा में अपना प्रस्ताव रखा कि राजा महाराजाओं और सेनापतियों, आपको पता है कि हमने पहली शर्त को जीत लिया है। दूसरी शर्त थी कि बायरोठी पर 7,000 दाने लेकर के आने हैं, सो 7,000 दानों के बजाय हमारे पास 10,000 दानों की व्यवस्था है, परंतु बात रही कि दूल्हे शेर की सवारी पर होगा तो मैं सिंह की व्यवस्था किए देता हूं। समस्त राजा महाराजा बोले कि राजन, सिंह कहां से आएगा कि माता देवी के प्रताप से सब कुछ संभव है। राजा नल ने अपने भाई सिंह का स्मरण किया, जहां भी राजा नल की आवश्यकता पड़ती थी तो वह शेर राजा नल का साथ देता था। राजा नल जहां बुलाते थे वही वो सिंह आता था। जिसकी माता का दूध राजा नल ने पिया था उसी सिंहनी का एक बच्चा था और वह राजा नल से भाई का रिश्ता रखता था। राजा नल ने स्मरण किया और उस सिंह के पास आह्वान पहुंचा तो सोचने लगा कि आज मेरा भाई नल फिर संकट में है और मुझे याद कर रहा है, चलिए मैं शीघ्रता से अपने मित्र के पास पहुंचता हूं। श्रोताओं, जैसे ही उस सिंह का ध्यान लगाया तो वो सिंह चल देता है और कुछ ही समय में, क्योंकि सिंह की गति बड़ी तीव्र होती है, राजा नल के पास महेंद्र नगर में आ जाता है। राजा नल ने अपने सभासदों से कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा भाई है, आने दिया जाए। वह सिंह राजा नल के पास आया और राजा नल उस सिंह से गले मिले। राजा नल का और उस सिंह का मधुर मिलन होता है, दोनों भाई
एक दूसरे को बड़े प्यार से गले लगा रहे हैं। श्रोताओं, राजा नल से सिंह कहने लगा कि मित्र, हे भाई, आपने मुझे कैसे याद किया? क्या विपत्ति आ गई? राजा नल बोले, भाई, इस राजा की शर्त थी, राजा महेंद्रपाल की, कि जब दरवाजे पर आप चढ़ाई करने आएंगे, बारात बायरोठी पर आएगी तो दूल्हे शेर की सवारी पर होना चाहिए। हे भाई, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने नाती चंद्रपाल के लिए कोई सिंह की व्यवस्था करें या फिर स्वयं अपनी पीठ पर बैठाएं। वह सिंह कहने लगा कि मैं अभी इतना बुड्ढा नहीं हुआ हूं, आप चिंता ना करें, मुझे सजा दो, मुझे सजा करके तैयार करो ताकि मैं बायरोठी पर चलूं तो अच्छा लगूं, और मेरे ऊपर तुम्हारे पुत्र को बैठा दीजिए, मैं चलूंगा मित्र, चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रोताओं, राजा नल उस सिंह को सजवाते हैं, पैरों में पंछरी बांध दी जाती है, चारों तरफ से झूल डाल दी जाती है, सोने का मुकुट उसके शीश पर लगा दिया जाता है और बड़ा अच्छा सुसज्जित कर दिया जाता है उस शेर को। इधर चंद्रपाल को भी दूल्हा बनाया जाता है, मोहर बांध दी जाती है और दूल्हा बना दिया जाता है चंद्रपाल को। चंद्रपाल दूल्हा बन गया, संपूर्ण बारात बायरोठी के लिए तैयार हो रही है, अपने अपने तेग तलवार बाण ढाल कटार सभी को लेकर के सुसज्जित हो रहे हैं। श्रोताओं, रण के बाजे बजवा दिए गए और चंद्रपाल को शेर के ऊपर बैठा दिया गया। सिंह की सवारी पर विराजमान चंद्रपाल ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवान कामदेव एक सिंह की सवारी पर विराजमान होकर के स्वयं चले आ रहे हो। उनके साथ साथ राजा नल, मनसुख, किशनलाल, बड़े बड़े महापराक्रमी योद्धा चले जा रहे हैं और 10,000 दानों की फौज चली जा रही है। दाने राजा नल से कहने लगे कि महाराज, यदि आप कहें तो हमारी हंसी से ये दरवाजा ध्वस्त हो जाएगा। यदि हम 10,000 एक साथ हंसें तो इस नगर में ये पता चल जाएगा कि कौन आया है। राजा नल ने कहा, ठीक है मित्रों, आप जोर से अट्टहास कीजिए। श्रोताओं, जैसे ही 10,000 दानों ने एक साथ गर्जना की, हंसी आई उनको, उनके अट्टहास से राजा महेंद्रपाल के किले की दीवारों में दरारें पड़ गईं। राजा महेंद्रपाल के सेनापतियों ने आकर के कहा कि महाराज, क्या सृष्टि प्रलय होने वाली है? इतना भयंकर शोर कहां से आया? कितनी तोपें एक साथ चलाई गईं कि हमारे किले में भी दरारें आ गई हैं। राजा महेंद्रपाल बोले, सैनिकों और सेनापतियों, घबराने की जरूरी नहीं है, ये तो नरवर के राजा महाराज नल हमारी पुत्री का विवाह करने के लिए आए हैं और वो बायरोठी के लिए चले आ रहे हैं। उनके साथ 10,000 दानों की फौज है और उन दानों ने अट्टहास किया होगा, वो दाने हंसे होंगे और उनके हंसने से ही हमारे किले में दरारें आ गई। दाने हंसते हुए चले जा रहे हैं और बार बार दानों का शोर महेंद्र नगर में गूंज रहा है। महेंद्र नगर के नर नारी भयभीत हो जाते हैं। राजा महेंद्रपाल से कहने लगे कि महाराज, आपने कैसे राजा को बुलाया है? क्या ये हमारे नगर को ध्वस्त करेगा? राजा महेंद्रपाल बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंता ना करें, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये महाराज नल बड़े धर्मात्मा और ईश्वर भक्त राजा हैं, परंतु हमने हमारी लड़की को ऐसे पराक्रमी राजा के साथ, राजा के पुत्र के साथ विवाह करना चाहा था कि जो संसार का सबसे बड़ा योद्धा हो, और इसीलिए राजा नल को हमने चुना, राजा नल के पुत्र चंद्रपाल को विवाह के लिए योग्य माना। राजा नल बारात सहित इस नगरी में आ गए हैं और बायरोठी पर आ रहे हैं, आप भी सेना सहित चलने के लिए तैयार रहे। राजा ने जैसे ही सेनापतियों को आदेश दिया,
तो राजा महेंद्रपाल की सेना भी सज धज कर तैयार हो जाती है और चल देती है दरवाजे की तरफ। दोनों तरफ से सेनाएं दरवाजों पर आ गईं और महाराज नल अपने श्वेत वर्ण के वीर वर्ण घोड़े पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ साथ उनका पुत्र सिंह की सवारी पर चल रहा है। राजा महेंद्रपाल ने किले के दुर्ग से दरवाजे के ऊपर जो दुर्ग था उस पर से देखा तो देख करके प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि वास्तव में राजा नल ने सभी शर्तों को पूरा कर दिया है। यहां तक कि 80 गज ऊपर दरवाजा था वहां भी शर्त पूरी कर ली जाएंगी। राजा को विश्वास हो जाता है कि राजा नल मुझे भी पराजित कर देंगे। दरवाजे की ऊंचाई देख करके एक बार तो चंद्रपाल सहम जाता है, डर जाता है। राजा नल कहने लगा अपने भाई सिंह से कि मित्र, आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, तो क्यों ना आप छलांग लगाएं और उस दरवाजे पर रखे हुए तोरण तक कैसे भी चंद्रपाल को पहुंचाया जाए। सिंह कहने लगा कि महाराज आप चिंता ना करें, 18 हाथ तो क्या, मैं 80 हाथ की छलांग लगा सकता हूं। मैं आपके आदेशा अनुसार तो जो आप कहेंगे वो करने में सक्षम हूं। श्रोताओं, राजा नल ने कहा कि मित्र, वो शुभ समय अब चल रहा है। लाखा दादा ने देखा कि बारौठी का जो समय है वो बहुत ही उपयुक्त और अच्छा चल रहा है। घड़ी नक्षत्र सभी अनुकूल चल रहे हैं, तो इसी समय तोरण मारा जाए। देखिए श्रोताओं, उस सिंह ने छलांग लगाई और उस पर बैठे हुए चंद्रपाल ने छड़ी से तोरण पर वार किया। तोरण मारने की रस्म पूरी हो गई। चार शर्तें राजा महेंद्रपाल की पूरी कर दी गई। राजा महेंद्रपाल और उसके समस्त सैनिक तालियों की गड़गड़ाहट से राजा नल का स्वागत करते हैं, राजा नल का सम्मान करते हैं। बाण ढाल तलवारों की झनकारें की जाती हैं। श्रोताओं, राजा नल मन में विचार करके महेंद्रपाल से कहने लगे कि हे राजन, अगली शर्त के लिए आप तैयार रहें, कल प्रातःकाल ही आप सेना सहित युद्ध के मैदान में आ जाएं। आपको युद्ध के लिए हमारी तरफ से चुनौती है और आपकी शर्त हमें स्वीकार है। अंतिम शर्त महेंद्रपाल का युद्ध रह गया। देखिए श्रोताओं, यहां से राजा नल अपनी सेना को वापस लौटा देते हैं कि चलिए सेना अपने अपने शिविरों में विश्राम करेगी और कल प्रातःकाल युद्ध के लिए सुसज्जित और तैयार रहेगी। इधर राजा महेंद्रपाल भी बायरोठी के नेक के बाद अपने दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। एक सभा बुलाता है और उस सभा में 7 पान का बीड़ा डलवा दिया जाता है। राजा महेंद्रपाल अपने प्रधान प्रधान वीरों को बुलाते हैं और उन वीरों से कहा कि वीरों, कल के युद्ध में जो भी कोई राजा नल को बंदी बना करके लाएगा वो मुंह मांगा इनाम पाएगा और इस सेना का प्रधान सेनापति का पद उसे दिया जाएगा। देखिए श्रोताओं, राजा महेंद्रपाल के 7 पुत्र थे और 7ों एक से एक बड़ा बलवान था। 7ों पुत्रों की शक्ति अतुल थी, तो उनमें से जो बड़ा पुत्र था राजा महेंद्रपाल का, चंद्रवीर नाम वर्णित है, चंद्रवीर कहने लगा कि राजन, मैं ये पान का बीड़ा खाऊंगा। हे पिताजी, कल के युद्ध में मैं जाऊंगा और मैं समस्त नरवर की सेना को मार मार के नरवर तक भगा दूंगा। मैं उन्हें यहां ठहरने ही नहीं दूंगा। भले ही उन्होंने विवाह की 4 शर्तों को पूरा कर लिया, पर क्या 5वीं शर्त उन्होंने इतनी आसान समझ ली थी? क्या उन्होंने हमको गाजर मूली समझ लिया था कि इतनी आसानी से हम हार जाएंगे? हे पिताजी, आप चिंता ना करें, कल का युद्ध मैं जीत करके लाऊंगा। देखिए श्रोताओं, चंद्रवीर राजा वीरपाल का बड़ा पुत्र दूसरे दिन रणभूमि के लिए तैयार हो रहा है।
चंद्रवीर बड़ा ही योद्धा था, नया जवान लड़का, युवराज के पद पर आसीन और अतुलित बलशाली भी था। इधर राजा नल मन में विचार करते हैं कि यदि स्वयं कल में रणभूमि में उतरूंगा तो ये एक राजा की कमजोरी होती है। यदि पहले ही दिन राजा स्वयं रणभूमि में उतर जाए तो इससे तो यह ज्ञात होता है कि इस राजा के पास योद्धाओं की कमी है, राजा के पास योद्धा नहीं है। तो महाराज नल ने भी उधर सात पान का बीड़ा दरबार में डलवाया और कहा कि कल के युद्ध में जो भी कोई महेंद्र पाल की मुस्के बांध करके लाएगा उसे मैं सेना का प्रधान सेनापति बनाऊंगा। अब राजा नल का बेड़ा भी दरबार में पड़ा हुआ है, तो जब बेड़ा दरबार में पड़ा हुआ देखा तो किशन लाल मन में विचार करता है कि रणभूमि के लिए मुझे ही जाना होगा, क्योंकि ढोल कुमार रणभूमि में इतने सशक्त नहीं थे, हालांकि योद्धा थे परंतु इतने बलशाली नहीं थे जितना कि किशन लाल था। किशन लाल बड़े पराक्रमी योद्धा थे और राजा नल के बड़े भाई पुष्कर के पुत्र थे। देखिए श्रोताओं, किशन लाल उस बीड़ा के नजदीक पहुंच जाता है। किशन लाल ने सात पान का बीड़ा उठाया और सात पान का बीड़ा उठा करके खा जाते हैं। कहने लगे कि हे महाराज, कल के युद्ध में मैं उतरूंगा और मैं राजा महेंद्र पाल को बंदी बना करके आपके चरणों में डाल दूंगा। उधर से तो राजा महेंद्र पाल का पुत्र चंद्रवीर तैयार हो रहा है रणभूमि के लिए और इधर से किशन लाल तैयार हो रहा है रणभूमि के लिए। दोनों योद्धा एक से एक विकराल भट्ट रणधीर, जिन्होंने स्वप्न में भी रणभूमि में पीठ नहीं दिखाई, ऐसे दोनों योद्धा रणभूमि के लिए तैयार हो गए। प्रातःकाल हुआ, रण के बाजे बजे दोनों ओर से और दोनों तरफ की सेनाएं रणभूमि में आ जाती हैं। युद्ध के मैदान में किशन लाल और उधर से चंद्रवीर राजा महेंद्र पाल का पुत्र महापराक्रमी योद्धा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। किशन लाल अपने घोड़े पर सवार है और चंद्रवीर हाथी के हौदा पर बैठ करके आया लड़ने के लिए, और चंद्रवीर ने किशन लाल को ललकारा कि छोकरे, तू रणभूमि में मरने के लिए क्यों आ गया? क्या राजा नल अपने छोटे मोटे सैनिकों को ही मरवाएंगे, स्वयं क्यों नहीं आए? किशन लाल बोले, योद्धा तुम ये नहीं जानते कि जब तक उनके सेनापति उनके पुत्र पौत्र जीवित हैं तब तक महाराज कभी रणभूमि में नहीं उतरेंगे, क्या तुम नहीं जानते? दोनों में विवाद आरंभ हो जाता है, दोनों ओर से तलवारें खींच ली जाती हैं और आदेश दे दिया जाता है आक्रमण का। दोनों तरफ से भयंकर आक्रमण हो जाता है, दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने महाराजों की जय जयकार करती हुई युद्ध कर रही हैं। दोनों तरफ से भयंकर तलवारें चल रही हैं। किशन लाल मन में विचार करने लगे कि मुझे इस राजकुमार को बंदी बनाना है। किशन लाल ने नगिन तेग उठाई और नगिन तेग उठा करके आगे बढ़ा, घोड़ा को आगे बढ़ाया और एक ही छलांग में घोड़ा चंद्रवीर के हाथी के पास आ पहुंचा। चंद्रवीर से कहने लगे, चंद्रवीर अब तुम जीते हुए महेंद्र नगर को नहीं जाओगे। यही चंद्रवीर ने भी कहा कि किशन लाल तुम महान योद्धा अवश्य होंगे लेकिन अब तुम वापस लौट करके नहीं जाओगे। दोनों तरफ से युद्ध होने लगा, एक से बढ़कर के एक योद्धा, अनेकों शास्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता, हथियार चलाने में सक्षम, दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हो रहा है। चंद्रवीर हाथी के हौदे पर था तो किशन लाल घोड़े पर सवार था। किशन लाल ने अपने घोड़े में एड़ लगाई और जैसे ही घोड़े में एड़ लगाई तो किशन लाल के घोड़े ने अपने दोनों पैर हाथी के सिर पर रख दिए और किशन लाल ने एक ही बार से जो हौदा के रस्सा थे वो काट दिए, रस्सा काट दिए हौदा के, दीना गिरा जमी महिपाल, राजा को भूमि पर गिरा दिया, चंद्रवीर को भूमि पर गिरा दिया और किशन लाल नगिन तेग लेकर के मल्ल युद्ध करने के लिए आगे बढ़े।
दोनों राजकुमार एक से एक तेजवान, एक से एक बलवान, एक से एक शस्त्र चलाने में निपुण, हर शस्त्र विद्या में पारंगत, दोनों वीर अपने अपने महाराजाओं की जय जयकार के लिए युद्ध कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, युद्ध करते करते जाता है, युद्ध करते करते दोपहर का समय व्यतीत हो जाता है। देखिए श्रोताओं, किशन लाल ने अपनी माता, अपनी चाची गजमोतनी का स्मरण किया और अपने नगर की कुल देवी को याद किया और अपनी तेग का प्रहार चंद्रवीर पर कर दिया। चंद्रवीर ने प्रहार बचाया लेकिन तेगा टूट गया, और जैसे ही तेगा टूटा तो किशन लाल तो बड़े योद्धा थे, फिर उसे दूसरा अस्त्र उठाने नहीं दिया, भूमि पर पटक लिया चंद्रवीर को। चंद्रवीर और किशन लाल में मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध में कभी किशन लाल चंद्रवीर को पटक लेता है तो कभी चंद्रवीर किशन लाल को पटक लेता है। दोनों को युद्ध करते करते काफी समय हो गया, दोनों योद्धा युद्ध करते करते शिथिल हो गए, परंतु किशन लाल तो राजा नल के संग लड़ने वाला योद्धा थी। किशन लाल कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, वो तो राजा नल की जोड़ी का योद्धा था, महाराज उसी का सेला लिया अवतार। अब देखिए, किशन लाल ने उसी का फेंटा अवतार लिया जो सिर पर बंधा हुआ था, और उसी फेंटा में उसको बांध लिया, बंधक बना लिया, और जैसे ही बंधक बना तो महेंद्र नगर की सेना वापस भाग जाती है। जैसे ही सेनापति या राजा पराजित होता है तो सैनिकों में लड़ने की शक्ति नहीं रहती, सेना वापस महेंद्र नगर को भाग जाती है। और श्रोताओं, किशन लाल अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस दुष्ट को महाराज की सेवा में प्रस्तुत किया जाए, ले चलो। उस चंद्रवीर को बंदी बना करके किशन लाल अपने शिविर की तरफ राजा नल और नरवरगढ़ की जय जयकार करता हुआ चला आ रहा है। महाराज नल दरबार में बैठे हुए थे, क्योंकि वहां दरबार लगाया जाता था जहां शिविर लगते थे। राजा नल समझ जाते हैं जय जयकार से कि किशन लाल ने पहले दिन का युद्ध जीत लिया है। श्रोताओं, राजा नल के सामने किशन लाल ने उस बंदी चंद्रवीर को डाल दिया कि लीजिए महाराज आपका मुलजिम। यह स्वयं राजा महेंद्रपाल तो नहीं है, लेकिन उसका बड़ा पुत्र चंद्रवीर है, लड़ने में बड़ा योद्धा है, शस्त्र विद्या में पारंगत है, हर तरीके की युद्ध विद्या जानता है। हे महाराज, आपके चरणों के प्रताप से मैंने इसे बंदी बना लिया है। राजा नल कहने लगे कि जाओ इसे कारागृह में डाल दिया जाए, परंतु ध्यान रहे इसको कोई यातना नहीं दी जाए, इसके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, एक राजसी राजकुमार है उसी तरीके से इसे रखा जाए, क्योंकि यह हमारे समधी का पुत्र भी है, और यदि हम युद्ध जीतते हैं तो इसकी बहन के साथ हमारे नाती का विवाह होना भी तय है। देखिए श्रोताओं, चंद्रवीर को राजा नल वहीं पर बने हुए कारागृह में डलवा देते हैं और उसकी सुख सुविधा के लिए चार सैनिक नियुक्त कर दिए जाते हैं। पहले दिन का युद्ध किशन लाल ने जीत लिया है। यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।